नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक ऐसा प्रोडक्ट के बारे में आज आपको बात करने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस की लाइन में तीन ऐसे बिजनेस होते हैं दोस्तों जो कि ज्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं। जैसे कि अगर रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन बिजनेस में से कोई भी एक बिजनेस आप चूज करते हो तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। हम आज जो बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं तो वो संबंधित है सीधा सीधा मकान से। इवन आपके घर से ही आप अपना बिजनेस कर सकते हो और घर के लिए ही कर सकते हो। तो मैडम से बात करेंगे, फिर जानेंगे क्या बिजनेस रहने वाला है और किस प्रकार की ये मशीन है और क्या क्या प्रोडक्ट ये बनाती है। तो नमस्कार मैम। नमस्कार सर। तो सबसे पहले बताइएगा मैम, हम कहाँ हैं और किस कंपनी में हैं? बिल्कुल, आप आ गए हैं सर दिल्ली के एक छोटे से एरिया में जो है नागलोई रेलवे मेट्रो स्टेशन नियर बाय सोनिया हॉस्पिटल गुलशन पार्क वाली गली गली के अंदर ही आप आए हैं एएसबी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। जी मैम, तो ये कंपनी के बारे में हमारी जानकारी हो चुकी है। तो मैम बताइएगा, जो मकान के बारे में हमने बिजनेस के बारे में आज बताना है जी, वो ये जो मशीन है ये किस चीज की मशीन है? जी बिल्कुल, आप लोगों को तो पता ही है आजकल घर हर कोई बनाता है, हर किसी के पास घर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ उसमें जो यूज होता है, ईंट का प्रयोग होता है, वो किस तरह से बनती है और किस तरह से बन के आप लोगों तक पहुँचती है, आज मैं उस बारे में आपको बताने जा रही हूँ। और किस तरह से आप ईंट का बिजनेस कर सकते हैं जी, तो वो बताने जा रही हूँ। मशीन की मैं बात करूँ तो ये हमारे ईंट बनाने की मशीन है। तो मैम ये ईंटें बनाने की दोस्तों मशीन मैडम ने बताई है कि ईंटें बना सकते हो, जो सीमेंट की ईंटें, पहले जमाने में जो ईंटें बनती थी वो मिट्टी की बनती थी और बड़े बड़े भट्ठे लगा के और आग जला के और पॉल्यूशन फैला के तब जाके ईंटें बनती थी। लेकिन सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लिया और बहुत सारे भट्ठे बंद भी हो चुके हैं और लगातार उन पर बैन लगा जा रहा है और बंद होते जा रहे हैं। तो बचा हमारे पास ये अच्छा खासा बिजनेस जिसमें कंपटीशन भी बहुत कम है, बहुत कम इस बिजनेस की लाइन में है और बहुत महंगी महंगी ईंटें बेचते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं मैम, जैसे कि हमने देखा आते ही इस मशीन का जो स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पर मुझे ये जाली टाइप का कुछ नजर आ रहा है, तो मैम ये क्या चीज रहने वाली है? ये एक तरफ से डाई भी इसको कह सकते हैं, डाई यानी साइज बनाने वाले। बिल्कुल, साइज बनाने वाले की किस तरह के आपको ईंट बनानी है, कितने साइज की आपको ईंट बनानी है जी। तो ये जो साइज यहाँ पे दिया गया है 4x9 का साइज होने वाला है। 4x9 यानी एक जर्नल साइज है जो मकान की ईंटों में प्रयोग किया जाता है, 4x9 होता है दोस्तों वो जी। और मैम अगर मुझे मान लीजिएगा, जैसे कि हमने देखा है कि सड़कों में भी जो गांव में सड़कें बनती हैं जहाँ पर ज्यादा कीचड़ होता है या ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो सरकार वहां पर रोड पे भी इस्तेमाल कर रही है इस प्रकार के सीमेंट की ईंटों का, तो वहां पर जो साइज होता है, क्या मैम उस साइज के लिए भी मुझे अलग से मशीन चाहिए या फिर मुझे इसी मशीन के द्वारा ही वो साइज प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल, इसी मशीन के द्वारा आप वो बना सकते हैं। उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, 6x7 का साइज होता है वो। डाई भी आपको यहाँ से, अच्छा उसके लिए बस हमें डाई चेंज करनी है, बिल्कुल मशीन चेंज नहीं करनी है। तो मैम ये जो मशीन रहने वाली है ये तो मुझे मैनुअल लग रही है, ऑटोमेटिक तो नहीं है ये? नहीं, ऑटोमेटिक मशीन नहीं है। अगर आपको ऑटोमेटिक की रिक्वायरमेंट होती है तो ऑटोमेटिक भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। अच्छा, तो ऑटोमेटिक और मैनुअल में दोनों में क्या डिफरेंस है मैम ये बताओ? बिल्कुल, अगर ऑटोमेटिक और मैनुअल मशीनों में से आप डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो वो है प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन आपको मैनुअल कितना करके देने वाली है और ऑटोमेटिक कितना करके देने वाली है। तो मैनुअल कितना देगी मैम? बिल्कुल, मैनुअल की बात की जाए तो अगर का जो लेबर है वो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला है, काम करने वाला है, तो वो एक 8 घंटे में आपको 1500 ईंटें बना के देने वाला है। तो आराम से वो 1500 बना देगा? बिल्कुल, 1500 आराम से बनाने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे ये डाई भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 इसमें एक बार में चार ईंटें निकल जाएंगी। बिल्कुल, एक साथ आप 4 ईंटें बना सकते हैं, तो आराम से वो 8 घंटे में आपको 1500 ईंट बना के देने वाला है जी। अगर ऑटोमेटिक की बात करें तो मैम? बिल्कुल, अगर ऑटोमेटिक की बात की जाए तो वो आपको 8 घंटे में 3000 पीसेस बना के देने वाला है आराम से, मतलब वो प्रोडक्शन आपका डबल हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो दोस्तों ये डिफरेंस तो हमें समझ में आ गया कि मैनुअल और ऑटोमेटिक में ये डिफरेंस है। प्राइस का भी डिफरेंस है, प्राइस के बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस तो रहेगा क्योंकि उसमें मैनुअल में आपको कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक में इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होगा। बिल्कुल, उसमें 3 HP का मोटर लगा होता है। अच्छा, जो कि आपके घर की नॉर्मल बिजली से चलने वाला। अच्छा, वो घर की नॉर्मल बिजली से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैम ने खुद ही क्लियर कर दिया, क्योंकि दोस्तों मैं भी यही चीज पूछने वाला था कि मैम वो बिजली कौन सी इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर एक और चीज मैं प्लस में यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने बहुत अलग अलग जगह पे घूम के देखा है, वहां पर ईंटों की जो सेल करते हैं लोग, एक एक ईंट की जो प्रोडक्शन होता है, जो कॉस्ट लगता है, उस कॉस्ट में वो एक एक ईंट पे 4-4 रुपए बचाते हैं। तो दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप एक ईंट पर 1 रुपया बचाते हो, है ना मैम, मान लीजिएगा एक बंदा एक ईंट पर 1 रुपया बचा रहा है, तो अगर मैनुअल लगाता है तो एक दिन में 1500 रुपए वो आराम से कमा लेगा। मशीन भी ऐसी रहने वाली है कि लोग आपको खुद चल के आएंगे,
बोलेंगे कि भाई हमें घर बनाना, हमें ईंट हाँ, चाहिए। बिल्कुल। और घर बनाने के लिए दोस्तों अगर एक दीवार भी बंदा सिंगल दीवार भी कहीं खड़ी करता है तो उसके लिए आराम से आपके 50 से 60 हजार ईंटें लग जाती हैं, और घर बनाने के लिए तो फिर लाखों करोड़ों ईंटें लग जाती हैं। जी तो यानी एक बंदा ही घर बनाता है, वहीं पर आपका इतना ज्यादा प्रॉफिट वो खुद एक बंदा देने वाला है। मैंने बोला कि 1 रुपया अगर एक ईंट पे कमाते हो तो 15 रुपये दिन के कमाओगे, महीने के आराम से आप 45 से 50 हजार रुपये आराम से कमा लोगे एक मशीन के द्वारा। बिल्कुल। अगर मैं ऑटोमेटिक की बात करूं तो भैया 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका वही प्रॉफिट वही 1.5 लाख के आसपास आ जाएगा। अगर हम बात करें मैम, अगर मैं अपने व्यूवर्स को ये बात बताता हूँ कि अगर आप एक मशीन की बजाय आप अपने घर में एक कमरा दे दो पूरा इस मशीन को, एक मशीन की बजाय आप 3 मशीन 4 मशीन लगाओ, बिल्कुल तो प्रोडक्शन प्रोडक्शन बढ़ हाँ, जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा बिल्कुल, और साथ ही साथ सेल भी बढ़ जाएगी, आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आना और हो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट भी 4 गुना हो जाएगा, यानी 3 से 4 लाख रुपए महीने के आप आराम से कमा सकते हो। आपको कहीं मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मशीन रहने वाली है, मुझे तो इससे जबरदस्त कोई मशीन नहीं लगने वाली, क्योंकि ये ना तो पोल्यूशन करती है ना ही इसका वेस्ट मटेरियल होता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी मटेरियल मैम, जो मटेरियल यहाँ पर यूज होगा जैसे सीमेंट और रोड़ी बजर पर जो भी यूज करेंगे लोग, तो उसके बारे में कितना रेशियो रहने वाला है, क्या आप कितना पानी डलेगा, उसके बारे में गाइड कौन करेगा? बिल्कुल, उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, 2 से 3 दिन की आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रोडक्शन किस तरह से करना है, क्या उसका फॉर्मूला रहने वाला है, साथ ही साथ आपको लाइसेंस भी दिया जाएगा कि अगर आपको इन फ्यूचर में जरूरत पड़ती है लाइसेंस की, तो लाइसेंस भी आपको दिया जाएगा यहाँ जी। तो लाइसेंस भी दोस्तों आपको मिल जाएगा, और क्या जानकारी चाहिए सब कुछ तो यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा मैम, लास्ट ऑप्शन रह गया हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि इनमें प्राइस क्या रहने वाला, मैनुअल का प्राइस क्या रहने वाला मैम? बिल्कुल, अगर प्राइस की आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करना होगा। साथ ही साथ अगर आप इस मशीन को खरीदने में ढेर सारे डिस्काउंट या ऑफर का लाभ भी उठा सकते हैं, तो उसके लिए आपको जो हमारी वीडियो चल रही है उसका स्क्रीनशॉट खींच के दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको ढेर सारे डिस्काउंट मिलने वाले हैं। आप कंपनी में विजिट भी कर सकते हैं, एड्रेस तो मैंने आपको बता ही दिया है, कंपनी में विजिट कर सकते हैं, आप मशीनें देख सकते हैं, पसंद आती है आपको तो हाथों हाथ भी लेके जा सकते हैं। जी तो ये सारी चीजें मैडम ने क्लियर कर चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई डाउट रहता है, अगर ऑटोमेटिक भी खरीदोगे तो उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप पे जो नंबर चला हुआ है, ये व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप अपना बेस्ट ऑफर चूज कर सकते हो, इवन मशीन को भी खरीद सकते हो। तो ऐसी ही जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।